चढ़ेगी वर्दी, चढ़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, चढ़ेगी वर्दी लगेगा सितारा, दुनिया देखेगी हमारे देश के फौजियों का नज़ारा। साथियों जय हिंद, साथियों अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसे आपसे वादा किए थे कि 10+2 यानी जो 10th किए हैं आधार कार्ड में A to Z जानकारी आधार कार्ड के लिए, और जिन्होंने 10th दोबारा कर रखी है इनके लिए पूरी A to Z जानकारी, क्योंकि हम इसलिए जानकारी दावे के साथ दे सकते हैं क्योंकि हमने जीरो ग्राउंड पर ग्राउंड में बंदों से बात कर रखी है हर एक, यानी कि यहाँ तक उन बंदों से बात, जैसे सर आप जैसे आप साथियों आप कह रहे थे कि सर उस बंदे को पकड़िए जिन्होंने दोबारा 10th कर रखी थी, उसका भी वीडियो बनाइए। मैंने उस बंदे से रिक्वेस्ट की थी, वो बंदा बोला कि सर मुझे हमें दिक्कत हो सकती है इसीलिए हम आपको फोन पे कह रहे हैं। एक बंदा ऐसे हमारे पास तीन बंदे ऐसे मिले थे जिन्होंने पिछली बार भर्ती रेस मारी थी उनको बाहर कर दिया गया था। इस बार वो बंदे फिट हैं, वो बंदे यानी मेडिकल तक फिट हैं, वो बंदे सिर्फ अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। आइए साथियों पूरा A to Z जानकारी आपको एक ही वीडियो में, आधार कार्ड और 10th के लिए, सबसे ज्यादा आधार कार्ड 10th वालों बंदों के लिए फोन आ रहा था। साथियों मैं आपको एक ही वीडियो में पूरी A to Z जानकारी, आइए साथियों देख जानता हूं। दोबारा 10th और आधार कार्ड DOB। साथियों जैसे जो दोबारा बंदा जैसे आधार पहले आइए आधार कार्ड के लिए हम जानते हैं। जैसे आधार कार्ड एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार करेक्शन हम कराए हैं, क्या हमें बाहर करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे हम बता रहे हैं आपको किसमें दिक्कत होती है, जैसे आपने फोटो करेक्शन कराए कोई दिक्कत नहीं, नाम करेक्शन कराए कोई दिक्कत नहीं, डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपना एड्रेस करेक्शन कराए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप डेट ऑफ बर्थ उसमें यानी एक डेट ऑफ बर्थ आप 2 से 3 बार करेक्शन करा सकते हो, उसके बाद आप करेक्शन नहीं करा सकते। इसके लिए हम तोड़ निकाले हैं, बात कर रखी है, उन्होंने बोला कि सर आपको मंडे तक हम बता देंगे। अगर मंडे तक जैसे हमें आधार कार्ड वाला उड़ाने का सिस्टम मिलेगा तो आपको हम बता देंगे, साथियों आपको नंबर दे देंगे, आप खुद जाना पर्सनल अपना पैसा देना अपना यानी कि डाटा हटवा सकते हो, ठीक है, अगर हमें वो मैसेज कर देंगे तो। जैसे आधार कार्ड में प्रॉब्लम, जैसे बहुत से बंदे फोन करते हैं सर हमारा आधार कार्ड में नहीं फोटो चेंज कराई थी, बल्कि नाम करेक्शन कराया था। हाँ ये सब में चाहे नाम आप 10 बार करेक्शन करा लो, चाहे फोटो जितनी बार बल्कि करेक्शन करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप डेट ऑफ बर्थ 2 से 3 बार नहीं करा सकते क्योंकि ये बल्कि आधार कार्ड में नियम लग चुका है। साथियों अगर जैसे आपको कोई भी दिक्कत, जैसे आप भर्ती में गए आप बोले कि सर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करा रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ यार धुआं धुआं करिए, कोई दिक्कत नहीं, मारिए दम लगा के रेस। आपको जैसे बंदे बोल रहे थे OTP, इस बार OTP नहीं मांग रहे हैं, इस बार OTP नहीं मांग रहे हैं। जैसे पिछली बार भर्ती में उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे आपको वो आधार नंबर ले जाइए जो नंबर आधार कार्ड से लिंक हो, पहले क्या कहता आपका नंबर डालेंगे आधार कार्ड आपके मोबाइल पे OTP, तो उसको आपके डेट ऑफ बर्थ करेक्शन निकाल रहे थे कि इन्होंने आपने कितनी बार करेक्शन करे। जो बंदा एक भी भर्ती नहीं देखी हो, फर्स्ट मार्कशीट थी, जिन्होंने आधार कार्ड करेक्शन कर रखा था उनको पिछली बार बाहर कर रहे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ आपको रनिंग से पहले कब बाहर कर सकते हैं, आपकी अगर एज ज्यादा लग रही है, अगर आपकी एज ज्यादा लग रही है तो आपको रनिंग से पहले बाहर कर देंगे। आधार कार्ड में OTP क्या मांग रहे हैं, आधार कार्ड में इस बार OTP नहीं मांग रहे हैं क्योंकि जो एक न्यूज चैनल है उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं आप सब जान जाएंगे, जिन्होंने बोल रखा था कि बहुत यानी कि जेल कर सकते हैं OTP मांग रहे हैं। अरे यार भाई मैं जीरो ग्राउंड पे था, एक भी जो बंदे बोले कि आधार कार्ड में बाहर कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कैसे बाहर कर रहे हैं, क्या आपको कुछ प्रूफ दीजिए, हमने कहा हाँ, वो बोले कि हाँ सर बाहर कर रहे हैं, बच्चे को जेल में डाल रहे हैं, मार रहे हैं। हमने कहा आप सबूत दीजिए, क्या आपका OTP फोन नंबर से मांगे थे, बोले कि सर नहीं मांगे थे। हमने कहा तो कैसे बाहर कर रहे हैं, वो बंदा चुप हो गया। इसीलिए मैं कहता हूँ बंदे वायरल होने के लिए वीडियो पे बोल देंगे जेल डाल रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ऐसा दोस्त कुछ नहीं है। आप जाइए भर्ती को धुआं धुआं करिए, हर एक मैदान फतेह करिए, ठीक है। साथियों आइए हम बात करते हैं दोबारा जिन्होंने 10th कर रखी है, क्या वो जाए भर्ती देखने? हाँ जाओ भर्ती देखने, कोई सी नहीं। जिन्होंने 2022 में 10th पास कर रखी थी उनका जो भर्ती अग्निवीर एग्जाम वाली भर्ती, जो एग्जाम पेपर वाली भर्ती स्टार्ट हुई, उनमें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखी थी, जैसे पिछली बार रजिस्ट्रेशन उन्होंने एक भर्ती देखी थी वो उससे उस भर्ती से एज खत्म हो गई, मार्कशीट से एज खत्म हो गई, फिर वो बंदा दोबारा हाई 10th कर ले रखी थी, फिर वो बंदा सोच रहा था कि मैं फर्स्ट 10th मार्क जो दूसरी मार्कशीट है
उससे मैं जो अग्निवीर की भर्ती आई एग्जाम वाली पहले वो भर्ती डाल लूं। वो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया, ये बंदा वो बंदा ऑनलाइन नहीं करा पाया, तो आपको कैसे बाहर करेंगे? आपका पुराना डाटा यानी कि आप जैसे जैसे जिन्होंने 2000 यानी कि 22 में भर्ती 21-22 में भर्ती दोबारा मार्च जिनने पहले रनिंग हो रही थी वो भर्ती देख रखा है, वो भर्ती बंदा देख रहा, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड पे था, सभी बंदों से यही पूछ रहा था कि आपको बाहर कर रहे हैं। वो बंदे बोले कि सर हमें कोई बंदा ही नहीं मिला। अरे भाई कोई नहीं बताता यार, जैसे जो बंदे फेर रहे थे वो बता देते हैं खुद को। आपको देखे थे मेडिकल में कितने हमें बंदे एजेड मिले थे, देखे तो थे बंदे, देखो कितने एजेड मिले थे। मैं हिसार में था, मैं बल्कि यहाँ हिम्मत नगर में था, तो एक बंदा भी एजेड मिला था हमें। मैं मुझसे नहीं पूछू, क्यों हम नहीं पूछे? वो बंदे सब बता दें कि सर ये मत पूछो तो अच्छा रहेगा, हम जो पूछोगे हम बता देंगे, मगर ये ना पूछो। तो आप जान सकते हो, मैं भी खुल के नहीं बोल सकता, नहीं आपको दिक्कत हो सकती है साथियों। जैसे क्या टेंथ वालों के जो अगर 2022 में टेंथ कर रखे थे उनका रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं हुआ, क्यों हुआ है? जो बंदा कोई भर्ती नहीं देखा दूसरी पहली मार्कशीट थी जो दोबारा कर रखे थे उनका इस बार ऑनलाइन बल्कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हुआ, भर्ती नहीं देख पाई जब ऑनलाइन नहीं हुआ, क्या एक दो बार कर रखे हैं? हाँ साथियों, जिन्होंने 2021 में नहीं नहीं 2022 में जिन्होंने रनिंग से जो बल्कि रनिंग वाली भर्ती देख रखी, जैसे एग्जाम के पहले जो रनिंग हुई थी भर्ती में वो भर्ती देख रखे, वो रजिस्ट्रेशन कराए, वो बंदे जाके रेस मारो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, भर्ती मार सकते हो, ठीक है? क्या हम भर्ती जाएं देखने? क्यों नहीं जाओ यार, जाओ यार भर्ती देखने यार। वही न्यूज हुआ जो न्यूज वाला बोला था कि आपको बाहर कर देंगे आधार कार्ड करेक्शन में, वही न्यूज वाला बोला बुरी खबर, आज की सबसे बुरी खबर, पाकिस्तानी हुई सेना में भर्ती। पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के सेने में भर्ती हो रहे हैं तो हमारे देश के लौंडे क्यों ना जाएं? जाइए यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? वो सब व्यूज के लिए आपको लड़, कभी आपको जमीन पर मिले भर्ती, कोई ग्राउंड जीव बच्चों के साथ इतना अन्याय हुआ है भर्ती में, यानी कि हाँ यहाँ तक बच्चे 100 ग्राम में, 150 ग्राम में, 250 ग्राम में, 300 ग्राम में बच्चे वजन में बाहर हुए, वो कभी न्यूज वाला आया आपको जीरो ग्राउंड पर दिखाने के लिए बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है? मैं दिखाया था वीडियो, मैंने अपलोड किया था बच्चों का। क्या हमको जेल में डाल सकते हैं? कुछ नहीं है यार, आज जेल होगे कल बेल फिर छूटोगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ यार भर्ती देखने, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाओ। हम साथियों हम पहुंच रहे हैं 8 अगस्त को मेरठ, हम पहुंच रहे हैं 8 अगस्त को मेरठ, ऐसे जैसे हमने बरेली में दिखाया, जैसे रानीखेत में दिखाया, जैसे हिम्मत नगर में दिखाया, जैसे मैं हिसार यारों में दिखाया, कई पूरी भर्ती दिखा रहा हूँ लगातार, वैसे हम मेरठ भी पहुंच रहे हैं, ऑल इंडिया कहीं भी भर्ती होगी हम पहुंच रहे हैं, ठीक है साथियों? बस यही है आधार कार्ड के लिए, बस यही है, यही इतना वीडियो है। आपको अपना छोटा भाई मान सकते हो, बड़ा भाई मान सकते हो, ये आपका परिवार है, आपका चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत जल्द आपको फ्री क्लास मिलेगी। एक ऐसा चैनल है भर्ती से लेके रनिंग से लेके क्लास से लेके जानकारी से लेके, एक यही एक चैनल है, आपको पूरा फ्री देगा, एक पैसा भी नहीं लेगा। बहुत जल्द आपको मैं फिजिकल के लिए एकेडमी डाल रहा हूँ, बहुत जल्द 1 महीने में एकदम गर्दा करवा दूंगा आपकी मेहनत से, ठीक है साथियों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।